शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभय हरणं सर्वलोकैकनाथम्। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। भगवान श्री हरि की अपार कृपा सभी पर बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि चातुर्मास का महात्म्य तो मैंने भली प्रकार से सुन लिया, हे केशव हमें बताइए कि श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे महात्मन इस एकादशी की कथा एक समय में स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, विधि क्या है, महात्म क्या है, कृपा करके हे नाथ हमसे बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे नारद लोगों के हित के लिए तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके श्रवण करने मात्र से, इस व्रत को करने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, जिनके नाम श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। एकादशी का व्रत करने से, कामिका एकादशी की कथा श्रवण करने से, व्रत करने से वही फल मिलता है जो फल गंगा में स्नान करने, काशी में रहने, नैमिषारण्य में पुष्कर में स्नान करने से, वही केवल कामिका एकादशी को भगवान विष्णु के पूजन मात्र से मिल जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंहराज के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी नहीं प्राप्त होता, वो कामिका एकादशी को भगवान श्रीहरि के पूजन मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्रीहरि का पूजन करते हैं उनसे देवता गंधर्व आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जिनके मन में कोई कामना हो उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनी को कभी नहीं प्राप्त होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करता है वे इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल अगर मंजरी सहित हो तो और अच्छा, नहीं तो तुलसी दल मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, केवल प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल चार भार चांदी एक बार स्वर्ण के दान के समान है। हे नारद मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की समस्त यातनाएँ नष्ट होती हैं, दर्शन करने मात्र से सब पाप नष्ट होते हैं।
स्पर्श से मनुष्य पवित्र होता है, लेकिन एकादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि ना हो तो भगवान को प्रणाम करके तुलसी दल ले लेना चाहिए केवल भगवान के लिए। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान अवश्य करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक से प्रकाशित होकर सूर्य के लोक को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को विधि विधान से करना चाहिए। संयम नियम का पालन करना चाहिए, सभी विकारों का त्याग करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए और भगवान श्री हरि के नाम का, उनकी कथा का गुणगान करना चाहिए। इसके करने से, श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा उसे मिल जाती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके ऊपर भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, हमें कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन सुनो, मैं तुमसे एक कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। लड़ाई झगड़ा होता था तो ठाकुर ने ब्राह्मण को मार दिया। इस पर नाराज ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर का खाना भी नहीं खाया, मना कर दिया। ठाकुर अकेला हो गया, खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक मुनि से जाकर अपने पापों के निवारण के बारे में पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें कामिका एकादशी का उपवास करने के लिए कहा। ठाकुर ने कामिका एकादशी किया, ठाकुर ने व्रत करना शुरू किया। एक दिन कामिका एकादशी के दिन जब ठाकुर भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए एक सपना देखा, भगवान ने उसे बताया कि ठाकुर, सभी पापों को हटा दिया गया है, अब आप ब्राह्मण के पाप से, हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि ये चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट करता है, मन में, हृदय में दिव्य प्रकाश भर देता है। इस दिन प्रातःकाल उठना चाहिए और दशमी को ही सात्विक भोजन करना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य फल फूल जो भी हो श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। विष्णु सहस्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेव या अपने इष्ट देव का नाम जप अवश्य ही करना चाहिए और दशमी से ही द्वादशी तिथि तक चावल, लहसुन, मसूर की दाल, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी में केवल सुबह ही भोजन करना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण नाम संकीर्तन करना चाहिए। द्वादशी पर पंडित को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान के नाम के संकीर्तन के साथ में विश्राम देना चाहिए। इस तरह से जो भी भगवान की परम पावनी कथा को कहता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी भगवान के इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें, जिसे प्रहलाद ने किया था, जिसे 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने में मात्र जब तक उपवास करके और भगवान के इस नाम का संकीर्तन करते हुए ध्रुव ने भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त कर लिया था और उनकी कृपा प्राप्त कर ली थी। प्रहलाद ने गर्भ में ही नारद जी के द्वारा इस मंत्र को प्राप्त कर चुके थे और इसी मंत्र के प्रभाव से वो द्वादश भक्तों में माने जाते हैं। तो आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बरसती रहे, आप सभी का कल्याण हो।
आप सभी पर प्रभु कृपा करते रहें। तो इस व्रत को करिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि के नाम का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।